बुधवार से ही पूरी रात झमाझम बारिश से पूरा शहर पानी से डूब गया। नालों में पॉलिथीन और कचरे से पानी का बहाव पूरी तरह से प्रभावित होने के कारण सड़कों और गलियों में घुटने तक पानी लगा हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई तथा लोग घरों से निकलने में असमर्थ दिखे। शहर के कई दुकानों में पानी दिखाई दिया। आपको बता दें कि विजय चौक, धर्मशाला, फ्लाईओवर, जिला अस्पताल रोड, जटाशंकर, नकहा सहित शहर के अधिकांश हिस्सों पर पानी भरा रहा, जिससे लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब इसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गुरुवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के कई क्षेत्रों में बारिश के पानी से जलजमाव उत्पन्न हुआ, लेकिन नगर निगम की टीम, अवर अभियंता, सहायक अभियंता, जोनल अधिकारी सहित सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर हुए जलजमाव की समस्याओं को देखा। उन्होंने बताया कि धर्मशाला, एम्स, महवा, सब्जी मंडी, इन जगहों पर काफी दिक्कत हुई और बताया कि मोटर पंप पूरे शहर में 244 पॉइंट पर लगे हैं। बारिश होने पर इस पंप को चालू कर दिया, जिससे कि शहर में हुए जलजमाव को 2 से 3 घंटे के अंदर बारिश के पानी को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मूसलाधार बारिश लगभग 145 मिलीमीटर से ऊपर हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, कहता है पानी की कमी। ये देखिए, बारिश आते ही ये मेन मार्केट है विजय चौक का, यहाँ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश रुके हुए आधा घंटा हो चुका, अब ये हाल है। देखिए, कल और आज दोनों दिन मिलाकर इसको आप बारिश नहीं कर सकते हैं, या कोई सामान्य बारिश नहीं, ये एक अतिवृष्टि थी। और सुबह 8 बजे, आज 15 तारीख को सुबह 8 बजे लगभग 145 mm मिलीमीटर से ऊपर की बारिश हो चुकी थी। और उसके बावजूद, जैसे कि जो कल बारिश हुई थी शाम, ये कह सकते हैं कि 2 या 3 घंटे के भीतर पूरे शहर से जो पानी की निकासी, पानी ड्रेन आउट हो गया था। लेकिन कल आज रात जो बीती है उसमें रात भर मूसलाधार बारिश होती रही, जिसकी वजह से शहर के कई क्षेत्रों में बारिश का पानी जो है विभिन्न कारणों से एकत्र हो गया। लेकिन नगर निगम की टीम 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हमारे समस्त अवर अभियंता, हमारे सहायक अभियंता, हमारी जो जोनल ऑफिसर, हमारे जो अन्य अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण थे, सभी लोग 4 बजे तक फील्ड पे आ गए थे। मैं खुद सबको देखकर, हम लोग कंट्रोल रूम से और अन्य जगहों फील्ड पे जाकर इनको लीड कर रहे थे। और कुछ जगहों पे शुरुआत में दिक्कत हुई थी, जैसे कि एक धर्मशाला पे
एक एम्स के सामने एक सब्जी मंडी जो महवा है वहाँ पर, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बरसा कि उस पानी को जो जिस तेज़ी से पानी बरस रहा था और जिस तेज़ी से पानी के ड्रेन आउट हो रहा था उसमें एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, इसीलिए पानी जो कई जगहों पर नाला ओवरफ्लो करने लगा था कि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। लेकिन जैसे ही बारिश माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उनका जो रूट था एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर था, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बजे के करीब जो है पानी बंद हुआ है, उसके बाद 2 घंटे के भीतर पूरे शहर से पानी जो है निकल गया। हम लोगों ने जो विभिन्न जो हमारे पास मशीनें थी उन तो लगाई ही, प्लस जलकल विभाग में जो हमारे वाटर को सक करने वाली सक्शन मशीनें हैं उनको भी हमने विभिन्न जगहों पर लगा रखा था, और उसके माध्यम से उस पानी को हम लोगों ने सक करके निकलवा दिया। तो निश्चित रूप से इस वक्त जो है पूरे शहर में पानी नहीं है। शहर में अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ की जो बहुत ही लो लाइंग एरिया हैं, और जब बरसात का पानी होता है तो वहाँ पर पानी जो है वो तुरंत भर जाता है। लेकिन हमारे पंप जो हैं इस वक्त शहर में लगभग 244 पॉइंट्स पे हमारे जो पंप हैं लगे रहते हैं, जैसे भी बारिश हल्की सी भी बारिश होती है सबको आदेश दिए गए हैं, हर जगह ड्यूटी लगी हुई है, तत्काल वो पंप जो है ऑन कर दिए जाते हैं। तो जो पंप ऑन करने से जैसे भी पानी जितना इकट्ठा होता है वो पंप उन पानी को नालों में फेंकते रहते हैं, और ज़्यादातर जो पानी है नालों के माध्यम से होते हुए बड़े नालों में जाकर फिर जो आपकी राप्ती रोहिणी नदी है रामगढ़ ताल से होते हुए जाकर उसमें गिरता है। तो इस बार निश्चित रूप से मैं नगर निगम के अपने समस्त साथी अधिकारीगण, अपने साथी कर्मचारीगण, जलकल की पूरी टीम सभी को अपनी तरफ से इसे जो इन्होंने जो मेहनत किया है रात भर और आज जो किया है उसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा, और अपेक्षा भी करूँगा कि इसी प्रकार से वो लगातार वो जो मेहनत करते रहेंगे और जो इस प्रकार की जो मुश्किल जो घड़ियाँ हैं उनको वो सफलतापूर्वक उससे भी वो लोग पार हो जाएंगे। देखिए पानी ये जो आप कह रहे अभी आप देख रहे हो कि इतने दिन में शहर में कहीं पानी लगा, लेकिन जो ये पानी बरसा है 145 मिलीमीटर से ऊपर पानी बारिश हुई है। ऐसी बारिश लोग अभी जो मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो जब कई सालों का रिकॉर्ड टूटेगा तो ये बहुत स्वाभाविक जो ऊपर से पानी नीचे आ रहा है और एक जो निकलने की कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप पानी यहाँ पर लग जाएगा। मैं किसी अन्य शहरों का दृष्टांत नहीं देना चाहूँगा, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो आप भी देख लीजिए कि हर वो बड़ा शहर चाहे हमारे प्रदेश में हो चाहे हमारे प्रदेश से बाहर 15 से लेकर 20 मिलीमीटर के पानी में वहाँ पे कारों के बहने की नौबत आ गई। लेकिन पूरे गोरखपुर में इतनी ज़बरदस्त बारिश होने के बावजूद मैं खुद इसको कहता हूँ पानी लगा, लेकिन 2 घंटे के अंदर 1.5 से 2 घंटे के भीतर हर जगह से पानी जो है ड्रेन आउट हो गया।